नहीं, आप चुनाव का उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, आप भी हंस रहे हैं तो नहीं, अब आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताईद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ओस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी ओस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप, और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर ओस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनिन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है, ये बात दुनिया जानती है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाज़ा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इसराइल ने वहां पर उसको, 16 ईयर से ब्लॉकेट है, ओपन एयर प्रिजन है वो, क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल में, पेरीमीटर लगा दिया 2005 में, रास्ता बंद कर दिया आपने। इसराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इसराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इसराइली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोराडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। बच्चों को जो फॉरेन स्टडीज का वीजा मिलता, जाने नहीं दिया जाता उन लोगों को पढ़ने के लिए। ओपन एयर प्रिजन बना के रख दिया आपने गाजा और वेस्ट बैंक को, और फिर आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, वायलेंस। अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इसराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन करो या फिर इसराइली गवर्नमेंट करो। और आप एक बात समझिए, 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है, यूक्रेन हमला कर पूरे पहुंच गए। ये कौन सी मोहब्बत है? गोरी चमड़ी से मोहब्बत? चमड़ी से मोहब्बत नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, सुनिए, यूक्रेन में हमला रशिया ने किया, आप वहां पर पहुंच गए। ये 90 साल से लोग हैं भाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इन लोगों के बारे में, वो भी देख लीजिए आप। तो इस पर इतना ही हमको बोलना है, मुद्दा चुनाव का है, उसको लिमिटेड रखिए। सर, 1000 लोग मारे गए इसराइल में, और आप कंडम भी कर रहे हैं, और 500 टेररिस्ट मारे गए, बल्कि इसराइल डिफेंस फोर्स का ये कर रहा है, इसमें 200 तक, मतलब करीबन करीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 तक सिविलियंस भी रह सकते हैं, बल्कि वो। मगर सर, ये वॉर बोल रहे हैं, तो इसके आपको व्हाट डू लाइक टू स्टेट, बिकॉज इज कॉलिंग इट एज कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग जेलों में हैं। ओस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था,